स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना आईएल्स या ओईटी के क्या ऑस्की और सीबीटी लिख सकते हैं। अगर आप इस सवाल के जवाब को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल के वीडियोस पसंद करते हैं और आपको पसंद आता है मेरा काम, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, तो मुझे इससे और मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीबीटी और ऑस्की लिखने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आपको यूकेएनएमसी के वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद, सारी डिटेल्स भरने के बाद, वहाँ पे जो डिटेल्स मांगेंगे आपको, आपका पासपोर्ट मांगेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका डिग्री डिप्लोमा मांगेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ अपलोड करने के बाद आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगा। और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कैसा करना है उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दूंगा। और जैसे ही आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको पियर्सन व्यू से एक मेल आता है और यूकेएनएमसी से भी एक मेल आता है। यूकेएनएमसी से मेल आता है जिसे ATT कहते हैं, ऑथराइजेशन टू टेक टेस्ट, और वो मेल आने के बाद आप CBT और OSCE देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और CBT देने के लिए आपको और एक मेल आएगा, पियर्सन व्यू की तरफ से मेल आता है। वो मेल आने के बाद आपको अपना अकाउंट पियर्सन व्यू के वेबसाइट पर जाके बनाना है, मैं आईडी और पासवर्ड आपको सबमिट करना है। और वो सबमिट करने के बाद आपको पियर्सन व्यू के ही वेबसाइट पे, पियर्सन व्यू के कुछ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे, आपको आपका CBT टेस्ट बुक करना है। CBT टेस्ट बुक करने के बाद आपको एक डेट मिलेगी, उस डेट में उस सेंटर पे जाके आपको CBT एग्जाम देना है। और इस स्टेज तक आपको UKNMC के वेबसाइट पे अपना IELTS या OET सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। आपको आपका IELTS या OET का जो सर्टिफिकेट होता है वो सेकंड स्टेज ऑफ UKNMC रजिस्ट्रेशन में सबमिट करना होता है, जिसका वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा कि सेकंड स्टेज ऑफ UKNMC रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं अभी करीब 7 बज गए हैं और दिन अभी भी अच्छा ही दिख रहा है, यहाँ पे अभी भी उजाला है, लेकिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बैठ जाए। तो UKNMC से आपको जो मेल आता है उसमें आपको CBT देने के लिए और OSCE देने के लिए मेल आता है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको जिस दिन वो मेल आता है उस दिन से 2 साल के अंदर आपको एक तो CBT भी देना है और OSCE भी देना है। अगर आपने 2 साल के अंदर CBT या OSCE नहीं दिए है तो आपको फिर से आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको जैसा बता दिया कि आप CBT बिना IELTS या बिना OET के दे सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि OSCE भी क्या हम बिना IELTS या बिना OET के दे सकते हैं? तो जी हाँ, OSCE भी आप बिना IELTS और बिना OET के दे सकते हैं, लेकिन OSCE बिना IELTS और बिना OET अगर आप देना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा कॉस्ट उठाना पड़ेगा। वो ये है कि OSCE का कोई भी सेंटर इंडिया में नहीं है या कोई भी देश में नहीं है, तो OSCE देने के लिए आपको UK ही आना पड़ेगा। UK में ही OSCE के पहले 3 सेंटर थे, अभी 4th सेंटर इन्होंने स्टार्ट किया है और अभी एक और सेंटर ये लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप बिना IELTS या बिना OET के CBT और OSCE देना चाहते हैं तो ये है पॉसिबल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या हमने बिना IELTS या बिना OET के OSCE और CBT देना चाहिए? तो इसके लिए मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। पिछले साल जब ओल्ड CBT ओल्ड OSCE बंद होने वाली थी और नई CBT और नई OSCE स्टार्ट होने वाली थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने यह तरीका अपनाया। तो उस समय यह तरीका अपनाना जायज़ था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की इच्छा थी कि उनको ओल्ड CBT या ओल्ड OSCE ही देना है। लेकिन अभी आप अगर चाहे कि मैं पहले CBT और OSCE क्लियर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और उसके बाद OET या IELTS क्लियर करूँगा या करूँगी, तो उससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने OSCE क्लियर कर लिया तो मुझे पिन मिल जाएगा, मुझे NHS में या UK में कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब मिल जाएगा, तो यह बात बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप OSCE पास होने के बाद, CBT पास होने के बाद आपको पिन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आपका सेकेंड पार्ट ऑफ UKNMC रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना है। सेकेंड पार्ट ऑफ UKNMC रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करने के लिए आपके पास एक तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और दूसरा है वो है IELTS या OET सर्टिफिकेट। जब तक आप सेकंड पार्ट ऑफ UKNMC रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करते तब तक आपके पास आपका पिन नहीं आएगा। और अगर आपके पास पिन नहीं आया है तो आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं हैं, और चाहे फिर आप
CBT पास किए हो या OSCE पास किए हो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं मैं CBT या OSCE पहले दे दूं उसके बाद IELTS या OET कंप्लीट करूंगा या करूंगी, तो आप पहले IELTS या OET पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि IELTS या OET अगर आपने क्लियर कर दिया है तो आपने 50% जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि सबसे हार्डेस्ट जो चीज़ है UKNNC के प्रोसीजर में वो है एक तो IELTS या OET पास करना। अगर इन दोनों एग्ज़ाम में से कोई भी एक एग्ज़ाम आप अगर पास हो जाते हैं तो आपने सबसे जो बड़ा पड़ाव है वो पार कर दिया है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर सोच रहे हैं CBT पहले देने का तो CBT पहले मत दीजिए, CBT की एग्ज़ाम की तैयारी भी मत कीजिए, पहले IELTS या OET की तैयारी कीजिए। IELTS या OET अगर एक बार पास हो गया तो आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर CBT की पढ़ाई करके CBT पास कर सकते हैं। अगर आपके पास CBT मटेरियल नहीं है तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप अगर मुझे उस मेल आईडी पर मेल करेंगे तो आपको मैं सारे CBT मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जिसको पढ़कर काफी सारे लोग पास हुए हैं और अभी UK में है। अगर आपने OET IELTS दिया हुआ है, पास हो चुके हैं, तो अगर आपको एजेंसी की हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और जो भी हेल्प आपको अगर लगती है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है, पहले वो CBT के पीछे लगे रहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि हमें CBT मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले OET या IELTS पे ध्यान दीजिए। CBT बहुत इजी है, OSCE IELTS और CBT के बीच की लेवल की एग्ज़ाम है, तो आपको OSCE और CBT के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको IELTS या OET पे ही ध्यान देना है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।